बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल मज़े में होंगे। तो जी, नया साल शुरू हो चुका है तो मैंने सोचा नए साल की पहली रेसिपी में कुछ मीठा होना चाहिए। और फाइनली विंटर्स भी आ गई हैं तो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा अंडे का हलवा। विंटर्स हैं तो अंडे का हलवा तो बस मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। बहुत ही ईजी और बहुत ही क्विक वाली रेसिपी और टेस्ट में तो बस कमाल होता है। आप खाएँगे ना तो आपका दिल चाहेगा खाने का बार बार। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, पर जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। चार अंडे लिए हैं मैंने और मैंने फ्रिज में से निकाल कर रख दिए थे 15 मिनट पहले। आपको ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा अंडे ले लीजिएगा। हाफ कप चीनी है, चीनी डालकर इसको मिक्स कर लूँगी और वैसे आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। हाफ कप मिल्क पाउडर चले जाएगा, मिक्स कर लेंगे इसको। और आप हाफ कप खोया भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको होममेड खोए की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल में मौजूद है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 1 कप मिल्क है, हाफ मैं अभी डालूंगी, हाफ मैं कुक करते हुए डालूंगी। अगेन इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और साइड पर रख देंगे। अब हलवे को कुक करना है तो 3 टेबलस्पून मैंने पैन में डाला है घी। अगर आपके पास देसी घी हो तो देसी घी में बना लीजिएगा, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी मिठाई और हलवे देसी घी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर होममेड देसी घी की रेसिपी आपको चाहिए तो वो भी मेरे चैनल में मौजूद है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। घी को तेज़ गर्म नहीं करना, जस्ट मेल्ट हो जाएगा तो उस पॉइंट पर मैं इसमें आटा डाल रही हूँ। नॉर्मल जो आटा होता है जिससे रोटी बनती है वो 2 टेबलस्पून में भर के इसमें डाल दूँगी। आटा डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसको भूनना नहीं है जैसे आटे के हलवे में हम भूनते हैं, जस्ट घी के साथ हमें इसको मिक्स करना है तकरीबन 1 मिनट तक लो फ्लेम पर। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा दैन हाफ कप जो मिल्क मैंने बचा लिया था वो चले जाएगा इसमें। मिक्स कर लेंगे इसको, जैसे ही दूध डालेंगे तो फौरन से थिक होना शुरू हो जाएगा ये। बस इसको मिक्स करते रहिएगा कुछ इस तरह से। देन इस पॉइंट पर इसमें अंडे का मिक्सचर चले जाएगा। तो अंडे के मिक्सचर को डालने से पहले इसको एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। एक हाथ से मैं डालती जा रही हूँ, एक हाथ से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। आपने भी ये ज़रूर करना है वरना लम्स पड़ना शुरू हो जाता है अंडे के फौरन। बस इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने मुस्तकिल ना इसको मिक्स करते रहना है, फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। बस इस हलवे में ना आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि लो फ्लेम पर आपने इसको कुक करना होता है जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। तो हमें पेशेंस के साथ ना इसको मिक्स करते रहना है, मुस्तकिल इसमें चम्मच चलाते रहना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो अंडे में लम्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, वो बड़े बड़े पार्ट्स में आ जाएगा। हमें इसको हलवे की फॉर्म में लेके जाना है। 3 से 4 हरी इलायची हैं, उसको मैंने कूट लिया है। आप इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून। मिक्स करते रहिए, हाथ आपने बिल्कुल भी रोकना नहीं है। हल्के हाथों से आप बस इसको मिक्स करते रहिए, अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए, कहीं से भी वरना ये स्टिक होना शुरू हो जाता है। 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर है मेरे पास, रोज वाटर भी आप ले सकते हो। और 1 पिंच मेरे पास है रेड फूड कलर, आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हो। मिक्स करते रहिए इसे, एक हाथ से आप देखते हैं मैं डाल रही हूँ, एक हाथ से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। अच्छा, इस पॉइंट पर जब ये थोड़ा सा थिक होने लगा है तो इस पॉइंट पर मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है इसकी। मिक्स करते रहिए इसको, इस तरह से मिक्स करते करते ना ये एकदम से ही हलवे के फॉर्म में आ जाएगा। आपने बहुत ही पेशेंस के साथ आपने इसको मिक्स करना होता है, ये एकदम से हल्के फॉर्म में आ जाएगा। अगर इस पॉइंट पर आपको इसमें पानी नजर आए जो कि चीनी का पानी होता है तो वो आपने ड्राई कर लेना है। घी मैंने इसमें कम डाला है तो घी तो ऊपर आया नहीं रहा है इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं होती। सूजी का हलवा बनाते हैं, बेसन का हलवा बनाते हैं, वो पी लेता है जितना भी हम ऑयल डालते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। मिक्स करते रहेंगे और जैसे ही ये अपनी साइड छोड़ने लगेगा ना, जैसे ही पैन से अलग होने लगेगा कुछ इस तरह से, इट मीन्स कि हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें, इसने अपने साइड छोड़ना शुरू कर दी है। इस पॉइंट पे जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वो डाल लीजिएगा। मेरे पास थोड़ा सा बादाम है, थोड़ा सा खोपरा है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी थोड़ा सा डालूंगी, बाकी गार्निश करते वक्त डालूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको और हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको कवर करके 1 मिनट तक तकरीबन लो फ्लेम पर मैं इसको कुक कर लूँगी। दैन चूल्हा बंद करके इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मज़ेदार हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितनी जल्दी बन गया ना, तकरीबन आधे घंटे में ही बन के तैयार हो जाता है आराम से। दिखने से भी मज़ेदार लग रहा है ना, टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। दिखने से लगता है सूजी के हलवे की तरह और बेसन के हलवे की तरह, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है इसका और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट नाउ। एंड बेल आइकन का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया तो दबा लीजिए फॉर मोर यमी अपडेट्स। तो इसे बनाइए, खाइए और विंटर्स को एंजॉय कीजिए। हैप्पी कुकिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।